टाइम बहुत लग गया है, इतनी छोटी होती है। फिश मार्केट है भाई, चाय जा रही है भाई, मटन हो गया। शोल्डर बैंड हो। हेलो बड़ी, वेलकम अगेन। और अभी हम लोग आए हैं इधर का लोकल मार्केट, वो कुछ आज लास्ट डेट है ना, मतलब आज लास्ट डे इधर पे, तो भाई ने बोला लोकल मार्केट घूम लेते हैं। आज मार्केट था इधर का तो काफ़ी मज़ेदार, और आगे के सीन दिखाता हूँ मैं। इधर बहुत ही मज़ेदार जगह है मतलब, और मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा थोड़ा और चलते हैं फिर घर की तरफ। बने रहना व्लॉग में एंड तक, स्किप ना करना वीडियो को। और ये हमारे पप्पू भाई, अरे भाई ये अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इधर का कैसा क्या होता है रोलकाल मार्केट का। तो हमको कल जाना है इधर से, लास्ट डे, और ये इधर का लोकल मार्केट भाई। ये इधर फिश मार्केट है इधर, ये लोकल मछली। हाँ अंदर भी है, अंदर भी। चलो तो मछली ऐसे ही, हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा भाई, मतलब इधर चीज़ें अलग हो जाती है, तो बहुत सारा डिफरेंट चीज़ें, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग लोग। लैंग्वेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इधर, हिंदी नहीं आती है लोगों को ज़्यादा। ये जैसे मॉल होता है ना, उस टाइप का था एक मार्केट, जिसे हम लोग बिग बाज़ार वगैरह बोल सकते हैं, पर इसे बंद कर दिया गया है अभी। ये पुलिस गाड़ी, इधर का नंबर तो क्या होता है पता नहीं। झूले वगैरह आ गए हैं, मेले की तैयारी हो रही है, पर हम लोग नहीं होंगे इधर अभी, क्योंकि अभी हमको जाना है दार्जिलिंग गंगटोक। मैं भाई मेन ऑफ अट्रैक्शन बना रहता हूँ लोगों का, यानी मतलब एक तरीके से लोग देखते हैं ऐसे तरीके से ना, कि मैं कहूँ ना दूसरे गोला से आया हूँ भाई। इधर के पास होता है ट्रांसपोर्ट, ये चाय भाई, चाय जा रही है बागा, मतलब बाग से तोड़ करके इसे ले जाया जा रहा है रिफाइन के लिए, और वहाँ पे हमारी जो चाय पत्ती होती है जो पैकेटों पे आती है, हमें जो अवेलेबल कराई जाती है शॉप पे, वो चाय मतलब इसी से रिफाइन होकर होती है, उसका पूरा प्रोसेस होता है। मतलब हम लोग, मैं भी यही सोचता था पहले कि एक तरीके से इधर से पत्तियाँ तोड़े, उसे सुखाए और फिर हम यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। वो फैक्ट्रियों में प्योर होने के लिए जाती है, उससे काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग छटके होती है, और उसके बाद वो प्रोसेस में आती है, मतलब हमारे यूज़ में आती है। तो अभी हम लोग प्ले कार्ड बनवाने आए थे, वो कम्प्लीट हो चुका है। भैया पहली बार बनाया क्या आपने? हाँ पहली बार बनाया है। कैसा मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही अच्छा, टाइम बहुत लग गया है। टाइम बहुत लग गया ना, हाँ कम से कम 2-2.5 घंटा लग गया पूरा कंप्लीट करने में, और काफी अच्छा है। देखो अब सारी तैयारी हो चुकी है, सब कुछ रेडी है, अब तगड़ा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, बस यही चाहता हूँ कि आपका तगड़ा सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट कीजिए गाइस दिल से, और फिर मिलते हैं आगे। ये देखो मतलब इधर ना बकरियों की नस्ल ना इतनी छोटी होती है, और छोटे छोटे कान, ये लगभग 1-2 वीक के बच्चे हैं, पर इतने छोटे छोटे हैं। इधर इनके मतलब जो बड़ी बकरी भी होती है उसके भी छोटे छोटे पैर होते हैं, इतना छोटा सा है मेरे हाथ वाला, इतना सा बड़ा है देख लो, इतना बड़ा है भाई, छोटा सा बिल्कुल, बहुत क्यूट है लेकिन मुन्नू। तो अभी हम लोग निकल गए हैं पप्पू भाई के घर से, और जा रहे हैं कलिंगटोंग की तरफ, और बहुत मजा आने वाला है, देखो आप लोग भी। अभी हमको हिचहाइकिंग मिली है, हिचहाइकिंग से लिफ्ट मिला ये ट्रॉली पे, से हम छोटा गाड़ी बोलते हैं। अभी ये ले जाएगा हमको यहाँ से अप्रोक्स, आप कहाँ तक के जा रहे हो भाई? डामडीम तक। ओके अभी तो ये हमको डामडीम तक के ले जाएगा, और हमारा कंटिन्यू ट्रेवल चालू है, बने रहना एंड तक, बहुत मजा आने वाला है। और लिफ्ट मिल गया है तो हम लोग जा रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गोरुबथान, और वहाँ से फिर दार्जिलिंग गंगटोक सिक्किम मुगल से रास्ता भी है, बहुत मजा आने वाला है। ये ब्लॉग भी बने रहिए, निकल चुके हैं हम लोग ऑल इंडिया ट्रैवल पैदल एंड हिचहाइकिंग।
रेवाड़ी पुलिस वालों ने रोक लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, हेलमेट था, तीन थे। इधर का रूल बहुत स्ट्रिक्ट है क्योंकि बिना हेलमेट के पीछे वाले को भी नहीं बैठने देते, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हेलो बड़ी, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं कुछ टाइम और चलने के बाद। अभी हमको लिफ्ट मिल गया था, लगभग 75 किलोमीटर अप्रोक्स का कंप्लीट लिफ्ट मिल गया था। जो हमारा डेस्टिनेशन था, जो लोकेशन था जहां हमें पहुंचना था, वहां तक का कंप्लीट लिफ्ट मिल गया था। तो अभी हमको उतना दिक्कत नहीं हो रहा है चलने में, और पैदल मैं बहुत ही कम चला हूं आज। और बाकी तो आप लोग व्यू देख ही रहे होगे, क्या ही सीन है भाई साहब, मजा आ गया। ये अंकल जी अभी हमारे साथ में है, इन्होंने हमें लिफ्ट दिया था लावा से यहाँ तक का, काफी अच्छा रहा सफर। अभी मोमोज वगैरह खा लें जी, पहाड़ बहुत बढ़िया होता है मोमोज, पहाड़ी पहाड़ी मोमोज है और इधर एकदम एक नंबर जो होता है ना हम लोग का एरिया पे। हाँ हाँ, फेमस होता है मोमोज इधर। हाँ वो तो फेमस है, आप क्या बोलेंगे भैया इस बारे में? भैया का नाम तो है ब्लॉगिंग कीड़ा। हाँ। तो मिल के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है भैया से, और अभी चल रहा है भैया को थोड़ा लिफ्ट दे रहा है और लाभा की ओर, और साथ में बैठ के मोमो खा रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है भैया से मिल के। थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आप लोगों ने इतना लंबा लिफ्ट दिया मुझे। भैया को सपोर्ट करते रहना, सपोर्ट करना। हम लोग का एरिया में भी ग्लास में सपोर्ट कराएंगे हम लोग, वो हम लोग की तरफ से होगा। हाँ हाँ, थैंक यू। टिंडा का पूरा फुल सपोर्ट करना, बहुत ही अच्छा है हम लोग का भैया। थैंक यू भाई, थैंक यू बहुत बहुत। तो आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बना रहे तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट को पूरा घूमेंगे, कंप्लीट करेंगे। और एरिया तो भाई व्यू तो आप देख ही सकते हो इधर का, बहुत प्यारी जगह है भाई। तो अभी हम लोगों को ट्रक पे लिफ्ट मिल गया है, भैया ने ट्रक पे काफ़ी दूर तक के अंकल लोग आया, वो लोग मुझे छोड़ने जा रहा था पर्सनली, पर रात भी काफ़ी हो जाती है, उनको रिटर्न होने में दिक्कत होता, इसलिए वो लोग रिटर्न चले गए इधर से। और मैं लाभा तक के जाऊंगा अभी ये भैया के साथ में ट्रक से, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। उधरी पे स्टे करेंगे नाइट, और फिर मैं बाकी वीडियो पे बने रहना, नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। तो अभी हमें लाभा वेस्ट बंगाल पे, और यहाँ विशाल भाई के घर पे रुके हुए हैं अभी, यहाँ पे नाश्ता वगैरह सब चीज़ें, और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है कि हम स्टे कर रहे हैं इधर पे, और ताकि कोई दिक्कत ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बीबी का बर्थडे, उसके लिए हमें खीर दिया गया इधर पे, काफ़ी अच्छे लोग हैं, मतलब इधर का नेचर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शांत है। इधर आते ही से भाई ने मतलब स्टे करवाया घर पर अभी। देखो भाई इधर के घर ऐसे होते हैं, और रास्ता कुछ ऐसा ऊंचा नीचा, हिल एरिया है ना पूरा, इसलिए अभी नाइट है, और लाइक ठंड तो इतनी खतरनाक पड़ रही है इधर, क्या ही कहें। हम लोग आए थे अभी मार्केट स्लीपिंग बैग के लिए, पर स्लीपिंग बैग मिला नहीं, अवेलेबल नहीं है इधर। अब कल जब निकलेंगे कालिंगपोंग, तो वो इधर से 33 किलोमीटर है अप्रॉक्स, तो वहाँ पहुँचने के बाद हमें स्लीपिंग बैग मिल जाएगा। तब तक अभी हमें भाई का स्लीपिंग बैग यूज़ करना पड़ेगा और उनके घर पर स्टे करना पड़ेगा, बाकी बहुत मज़ा आएगा, बने रहिएगा एंड तक। गुड मॉर्निंग लावा, तो अभी हम लोग हैं वेस्ट बंगाल के सिक्किम वाले इलाके पे, और मतलब बहुत ही अच्छा रहा अभी तक का सफ़र। और यहाँ पे हमने टेंट लगाया हुआ था क्योंकि ठंड बहुत थी, बहुत ही ज़्यादा थी, तो हम लोग मतलब खुले पे टेंट नहीं लगा सकते थे क्योंकि हमारे पास उतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। आज हमें जो सामान लेना है, स्लीपिंग बैग वगैरह, हमें यहाँ से अवेलेबल कराया गया था भैया की तरफ से, पर वो अभी हमको स्लीपिंग बैग उधर से लेना होगा और ग्लव्स वगैरह। यहाँ पे हमारा टेंट लगा था और काफ़ी अच्छा रहा, मतलब ज़्यादा शोल्डर बैंड हो गया बस, थोड़ा सा दर्द हो गया भाई शोल्डर में एक साइड, राइट साइड पे, अभी बाकी सब मैनेज करते हैं और आगे के लिए निकलेंगे अब इधर से।